नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात वेब सीरीज माफिया की। ये सीरीज आई है G5 पर। क्रिएटर है रोहन घोष और अरित्रा सेन, डायरेक्टर है बिरसा दास गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई कहानी होने वाली है माफिया की, गैंग्स की, तो ऐसा कुछ नहीं है। माफिया एक गेम का नाम है जिसके नाम पर इस सीरीज का नाम रखा गया है। और दूसरी बात यह कि जैसे ट्रेलर देखने से या शुरू के एपिसोड देखने से यह एक अंदाजा लगता है कि यहाँ कोई भूत प्रेत जैसी कहानी होने वाली है, कोई सुपर नेचुरल चीज होने वाली है, तो ऐसा भी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। कहानी है 6 दोस्तों की जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, घूमते फिरते हैं, और फिर उनमें से 6 जो लोग हैं उनमें से 1-2 लोग आपस में रिलेशनशिप में ही होते हैं। ये पास आउट कर जाते हैं कॉलेज से और छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं एक बंगले में जो कि जंगल के बीचों बीच है। इनमें से एक दोस्त का ये बंगला होता है और वहां फिर ये लोग छुट्टियां मना के लौट जाते हैं अपने अपने जीवन में। 6 साल बाद फिर इनका रीयूनियन होता है। उसी बंगले में वो पहुंचते हैं जहां 6 साल पहले गए थे, और जब ये पहले आए थे तो इनके साथ एक घटना हुई थी। अब उस घटना की परछाई 6 साल बाद इनके ऊपर पड़ रही है। तो फिर क्या कैसे हो रहा है दोस्तों, ये तो आप इस सीरीज में ही देखेंगे। लेकिन इस सीरीज की जो कहानी है, कहानी काफी अच्छी है, लेकिन दूसरी कमी जो यहां रह जाती है वो है स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले में आपको कई खामियां दिखेंगी, और देखिए जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी 1-2 चीजें थोड़ी कम रहती है। जैसे कि 4th एपिसोड तक ये जो सारे दोस्त हैं ये लड़ ही रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के दोस्त हैं और इनका आपस का रिलेशन किस तरह का है। 5वें एपिसोड से ये कहानी थोड़ी सी फिर रफ्तार पकड़ती है, और देखिए शुरू में ही आपको ये पता था कि एक घटना हुई है, एक अपराध हुआ है, लेकिन यहाँ सस्पेंस को बहुत अच्छे ढंग से कैरी किया गया। आखिरी तक ये सस्पेंस रखा गया कि ये जो अपराध हुआ था वो अपराध किया किसने था। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी चलती रहती है पास्ट और प्रेजेंट में, कलाकार वही 6 हैं, किरदार वही 6 हैं, तो ये समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये घटना पास्ट में है या प्रेजेंट में। बहुत जोर देकर के इस बात को समझना पड़ता है। और यहाँ दोस्तों जो 6 दोस्त हैं, ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं, ये सब मल्टी लेयर्स हैं। इनके खूबसूरत चेहरे के पीछे कई राज दफन हैं, कई बातें हैं, और ये जो चीज़ है ये आपको इस सीरीज में बहुत ज़्यादा इंगेज रखती है। घटनाक्रम भी बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, और इससे भी आप इस सीरीज से जुड़े रहते हैं, इस कहानी में आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और दोस्तों देखिए, यदि आप एक्टिंग के पैमाने पे देखें तो यहाँ नमित दास ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, आनंदिता बोस नेहा बनी हुई है वो बहुत अच्छी है, अंकिता चक्रवर्ती हैं वो भी अच्छी है। बाकी यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं जैसे ऋतिक बने हैं, सौरभ सारस्वत, ऋषि हैं, तन्मय धनानिया, सैम है, आदित्य बख्शी, तान्या है, मधुरिमा राय, अनन्या है, ईसा स्वप्निल, और ये सारे कलाकारों ने अपना काम ठीक ठाक ही कर लिया है। यहाँ डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं लिखे गए हैं, और कई बार लगता है कि ये जो किरदार हैं, ये जो कलाकार हैं, इन डायलॉग्स को पेश करते हुए कई बार बहुत ज़्यादा लाउड भी हो जाते हैं। और दोस्तों देखिए, जहाँ डायलॉग्स लिखने में एक चीज़ तो बहुत ही गड़बड़ है कि यहाँ जैसे स्कोप ढूंढा गया है कि गाली कहाँ कहाँ फिट की जा सकती है, जहाँ ज़रूरत नहीं भी थी वहाँ भी ढेर सारी गालियाँ रखी गई हैं। और इस सीरीज़ में कुछ इंटीमेट सीन्स भी हैं, कुछ सेक्स सीन्स भी हैं, तो ये तो तय है कि बच्चों के लिए नहीं है, और अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी अकेले में ही देखना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों कहानी अच्छी है और कुछ सस्पेंस अच्छा रखा गया है, थ्रिल अच्छा है, तो मेरी राय है कि एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखा जाना चाहिए। 8 एपिसोड है इसमें, 30 से लेकर के 35 मिनट तक के। और अगर आप बात करें मेरी रेटिंग की तो इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5। तो दोस्तों, माफिया के बारे में आज इतनी चर्चा। आगे किसी और ऐप, किसी और सीरीज, किसी और हॉट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक देखिए आप मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को पसंद करिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि अभी अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।